माँ, वो रात को भैया का दूत एक समाचार लेकर आया था, और समाचार में जैसा कहा था कि सजाना है, बिल्कुल वैसा ही प्रबंध कर दिया है। अरे वाह वाह वाह, क्या तैयारियां हो रही हैं, बहू के स्वागत की है। अब तुम्हारा राधे केवल तुम्हारा नहीं रहा, मुझे तो लगता है कि अब वो केवल अपनी रानी की ही सुनेगा, तुम्हारी नहीं। भले मैंने उसे अपनी कोख में ना रखा, पर पुत्र तो मेरा ही है। क्षमा राजमाता, वो उच्च समुदाय के लोग सभा में एकत्रित हुए हैं, कह रहे हैं कि आने दो सूत पुत्र कर्ण को, हम उसे उसका स्थान दिखाएंगे। बधाई हो, अंगराज कर्ण नववधू रानी उर्वी को लेकर अंग महल की ओर पधार रहे हैं। आश्चर्य, वधू के लिए तो माँ इतनी उत्साहित थी, स्वागत के लिए द्वार पे नहीं आई। वहां भैया भाभी को लेकर आए हैं और यहाँ उच्च समाज के लोग, भाभी क्या सोचेंगी? यही तो मैं चाहती थी कि दोनों साथ में आए। क्या हो रहा है? रोकिए इसे। अंग राज्य में धर्म, नीति, व्यवस्था, न्यायपालन और संस्कारों की मृत्यु हो गई है, और इसी की अंतिम क्रिया करने हम आए हैं, जब क्षत्रियों के राज सिंहासन पे एक सूत पुत्र को बिठाया जाएगा। एक सूत पुत्र को, तो ऐसा ही होगा ना? राजगुरु पुरुषोत्तम जी, मेरे पुत्र की क्षमता पर संदेह ना करें। धर्म, व्यवस्था, न्याय, संस्कार कुछ नहीं बदलेगा, विश्वास कीजिए। सुन, माँ कहाँ है? इतना हड़बड़ाया हुआ क्यों? भैया वो वहां सभा में माँ कैसे कर सकते हैं उसका विश्वास, जिसने छल से ये राज सिंहासन पाया है। दुर्योधन से मित्रता केवल इसलिए की कि दान में ये राज्य पा सके,
मात्र अपना मान सम्मान और यश बढ़ाने के लिए क्षत्रिय राजकुमारी को जीत लाया। क्या वो भूल गया कि वो एक सूत पुत्र है? ऐसे कपटी का सम्मान अंग देश कभी नहीं करेगा। हमें देखिए, वर्षों से अंग देश का राजकाज संभाला है हमने, और आज भी स्वभाव से योगी और कर्म से ब्राह्मण हैं हम। पर आपका यह महत्वाकांक्षी पुत्र कुल की व्यवस्था को ही दिखा देना चाहता है, और हम ये होने नहीं देंगे। ये कर्ण से उसका राज सिंहासन छीन लेना चाहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? सब क्या हो रहा है यहाँ? हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोभी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, राजभोग और धन वैभव की लालसा में हम अंग देश पर राज करने आए। हमारी इच्छा विलासिता की है, सेवा भाव की नहीं। ये सत्य नहीं राजगुरु। आपके आरोपों का क्या कारण है? इनका कहना यह है कि वर्षों तक इन्होंने अंग देश पर राज किया, पर एक साधारण सहयोगी के रूप में। प्रमाण देना होगा हमें, हमें प्रमाण देना होगा कि हम लोभी नहीं। इस राजमहल से हमें कोई प्रेम नहीं, हमारे मन में सेवा भाव है, इतने स्वार्थी नहीं। आप गलत सोचते हैं पुरुषोत्तम जी, राजभोग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं तो यहां सिर्फ अपने राज्य की सेवा करने आया हूं, और इस बात का प्रमाण देने के लिए हम तैयार हैं। ईश्वर को साक्षी मान ये प्रण लेता हूं कि आज इसी क्षण इस राज्य से जुड़े सभी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य को त्यागता हूं। आज से मेरी निजी सेवा में ना दास दासी होंगे, ना मैं राजकोष से कोई धन लूंगा, और ना ही कोई मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करूंगा। एक साधारण सूत की तरह जीवन बिताते हुए मैं अंग राज का संचालन करूंगा, और जो कुछ सूत धर्म अनुसार कहा गया है मैं वही करूंगा।
लेकिन मेरा बाहुबल और मेरा स्वाभिमान किसी क्षत्रिय या ब्राह्मण से कम नहीं। सुन ली आपने मेरे पुत्र की बात? मेरे पुत्र के साथ साथ उसकी माता, उसके पिता, उसके भाई, हम सब सब कुछ त्याग देंगे, बिल्कुल उसी तरह रहेंगे जिस तरह हस्तिनापुर की कुटिया में रहा करते थे। अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है कि मेरा बेटा कर्ण इस सिंहासन पर बैठे? आप तो त्याग देंगी, परंतु आपकी ये वधु देश की कोमल राजकुमारी उर्वी, जो जन्म से ही वैभव में पली बड़ी, छोड़ पाएंगी ये सब ऐश्वर्य? जी पाएंगी एक सूत का साधारण जीवन? हम ब्रह्मा जी को चुनौती देते हैं कि जो कुछ लिखा हो उन्होंने आपकी राजकुमारी बेटी के भविष्य में उसे बदल दूंगी। और एक नया भाग्य, नया भविष्य लिखेगी ये सूत्री अपने हाथों से। अब आप कर्ण के परिवार का हिस्सा हैं, कर्ण संगनी है और धांगनी है। त्याग पाएंगी ये सुख वैभव? राजकुमारी जी, कुछ ना कहिएगा, ईश्वर के लिए कोई वचन ना दीजिएगा। हाँ बेटा, हमें तो आदत है ऐसा जीवन व्यतीत करने की और आगे भी जिएंगे, पर तुम राजकुमारी जी जन्म से क्षत्रिय हैं, वैभव में पली बड़ी हैं, ये कोई सूत खोल की नहीं, ये क्यों त्यागेंगे ये सब? नहीं सुरी, अब हम राजकुमारी उर्वी नहीं, कर्ण की अर्धांगिनी उर्वी, जो मार्ग हमारे पति का
वही मार्ग हमारा। जो त्याग हमारे पति का वही त्याग हमारा। जहां ये वहां हम, जहां कर्ण वहां उनकी कर्ण संगिनी। आपके आभूषणों का भार आपके वचन के भार से अधिक है राजकुमारी। ये जड़ाऊ गहने, सोने चांदी से सजी रेशमी पोशाक, वधुओं को पहने कभी देखा है आपने? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।